मानिक न्यूज रूम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी दो परिमेय संख्या के बीच माध्य एक अपरिमेय संख्या दो परिमेय संख्या के मध्य एक अपरिमेय संख्या कैसे लिखते हैं। हम यहाँ दो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या ले लेते हैं, 1/3 और 2/3। ये दोनों हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। हमें क्या करना है, इन दो परिमेय संख्या के मध्य एक अपरिमेय संख्या लिखना है। तो इनसे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों परिमेय संख्याओं का दशमिक संख्या में बदल देते हैं। तो इनको दशमिक संख्या में 1/3 को बदलने से क्या मिलेगा हमें, 0.333 बराबर 0.3 के ऊपर रेकरिंग आवर्त, हमें एक आवर्त दशमिक संख्या मिला। और 2/3 को बदले तो क्या मिलेगा, 0.666 बराबर 0.6 के ऊपर आवर्त। अबे हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखना है। तो हम इन दोनों के बीच में अपरिमेय संख्या लिखेंगे कैसे, अपरिमेय संख्या का दशमिक संख्या क्या होगा, हमने सीखा है कि किसी अपरिमेय संख्या को जब भी दशमिक संख्या में मिलते बदलते हैं तो हमें एक असीम और अनावर्त अपरिमेय संख्या को दशमिक संख्या में बदलने पर हमें एक असीम और अनावर्त दशमिक संख्या मिलती है। मतलब इन दोनों के बीच कोई भी एक अगर हम असीम और अनावर्त दशमिक संख्या ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच भी कोई भी एक असीम और अनावर्त संख्या तो हम ले लेते हैं, एक 3 से बड़ा होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए। हम लेते हैं 4, 5, 0, 4, 5, 0, 0, 4, 5। इसके अलावा हम दूसरी संख्या भी ले सकते हैं, 0, 5, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 5, 4, इस तरह से असीम। ठीक है, अब हम देखेंगे कि दो अपरिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या कैसे लेते हैं। जैसे यहाँ पर दो अपरिमेय संख्या दिया हुआ है, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 2। दूसरा अपरिमेय संख्या है 0.25, 2, 5, 2, 5, 5, 2, 5, 5, 5, 2, 5, 5, 5, 5, 2। दोनों अपरिमेय संख्या है। ये दोनों अपरिमेय संख्या है। इन दोनों अपरिमेय संख्याओं के बीच में हमें क्या करना है, एक परिमेय संख्या लिखना है। उसको कैसे लेंगे, तो हमें क्या पता है कि परिमेय संख्या आवर्त वाला होता है और ससीम होता है। इन दोनों के बीच में कोई भी एक दशमिक संख्या लेना है जो आवर्त वाला हो या फिर ससीम हो। तो हम ले सकते हैं 2, 3, देखिए यहाँ 2, 3 है, यहाँ 2, 5 है, तो 2, 3 और 2, 5 के मध्य कुछ भी ले सकते हैं, 0.2, 3, 4, 5, 2, 3 से बड़ा हो गया, इस असीम संख्या से बड़ा हो गया और इससे छोटा मध्य आ गया। या फिर दूसरी संख्या ले सकते हैं, 0.24, या फिर दूसरी आवर्त वाला संख्या भी ले सकते हैं, 2, 4, 5, 6 आवर्त। ठीक है, तो हम कोई भी परिमेय संख्या इन दोनों के बीच में ले सकते हैं। परिमेय संख्या क्या होगा, हमारा ससीम और आवर्त दशमिक होगा। और अपरिमेय संख्या क्या होता है, ससीम असीम और अनावर्त संख्या होता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम देखते हैं कि किसी दशमिक संख्या को संख्या रेखा पर कैसे अंकित करते हैं।